नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, सरकारी परीक्षा की तरफ से सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाई बहन का ये पवित्र त्योहार दिन प्रतिदिन जिस तरह मजबूत और पवित्र होता जा रहा है, ठीक उसी तरह हमारे और आपके बीच का रिश्ता भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज सुबह आपके साथ जुड़ते हैं करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए, लेकिन हमारे और भी कलीग जो आपके एग्जाम की तैयारी में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके भी वीडियो इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां अपने एग्जाम से रिलेवेंट वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जैसा आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उस एग्जाम में कैसे आपको पढ़ना है और उस एग्जाम से रिलेवेंट कौन से वीडियो आपके लिए काफी बेस्ट रहेंगे। यहां तक कि हम आपके लिए स्टैटिक जीके लाइव क्लासेस भी आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स वाले वीडियो पे चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 मनाया गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2022 हैज बीन सेलिब्रेटेड। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त या ऑप्शन डी 10 अगस्त। यहां बात हो रही है बायोफ्यूल की। जैसा कि आप सबको बहुत सारे फ्यूल के बारे में जानकारी होगी, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या सीएनजी या एलपीजी, तो उसी तरह एक बायोफ्यूल भी होता है। और आपसे यहां सवाल पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 10 अगस्त। जी, 10 अगस्त को पूरे देश में हर साल बायोफ्यूल के बारे में, उसके महत्वपूर्णता के बारे में लोगों तक इसके नॉलेज, जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे मनाए जाते हैं। अब अगर हम बात कर ले कि इस साल वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे की थीम क्या है, तो थीम है बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। जी, अब अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया कि फ्यूल जो है कई तरह के आपके ज्ञान में है, लेकिन बायोफ्यूल कुछ अलग तरह के फ्यूल होते हैं। कैसे अलग है? क्योंकि ये जो फ्यूल बनाए जाते हैं, ये बेसिकली एनिमल के वेस्ट से, एल्गी से या इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर के जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, उनसे ये फ्यूल तैयार किए जाते हैं। और इस फ्यूल को बनाने में जो प्रोसेस अपनाई जाती है, उसे ट्रांस स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब बात हम कर रहे थे बायोफ्यूल्स की, तो इस तरह से जो फ्यूल तैयार किए जाते हैं, जो एनिमल के या प्लांट के वेस्टेज से, जो इंडस्ट्री के वेस्टेज से जो फ्यूल तैयार किए जाते हैं, उन्हें बायोफ्यूल बोलते हैं। और ये फ्यूल जो होते हैं, ये रिन्यूएबल फ्यूल होते हैं और यहां तक कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करते हैं। जैसा कि आज के जो भी फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, कार्बन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे फ्यूल हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं और उसे बहुत जो है ना के बराबर ही नुकसान करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो फ्यूल, ये बहुत ही कम समय में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इसे यहां तक कि लिक्विड और गैसियस के फॉर्म में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी गैस के फॉर्म में भी ये फ्यूल बनाए जाते हैं। अब अगर हम बात कर ले कि सबसे पहले ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे अगर हम जो मना रहे हैं, ये किनकी याद में मना रहे हैं या कब से मना रहे हैं, तो हम बात कर ले कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो मनाया जा रहा है, वो सर रुडोल्फ डीजल के नाम पे मनाया जा रहा है, उनके याद में मनाया जा रहा है। यहां पे आपको एक नाम दिख रही है डीजल, और डीजल आपको पता है कि एक तरह का फ्यूल है, तो सर रुडोल्फ डीजल ने ही सबसे पहले डीजल इंजन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इन्हीं के नाम पे हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस भारतीय खिलाड़ी को 7वीं बार AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है?
which Indian player has been adjudged the AIFF Footballer of the Year for the 7th time? फुटबॉल में आप सबको रुचि होगी, क्रिकेट में भी आप सबको रुचि होगी, मुझे पता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग क्रिकेट में काफी ज्यादा रुचि दिखाते हैं, लेकिन कुछ वैसे भी हैं जो फुटबॉल में काफी ज्यादा रुचि दिखाते हैं, और आपको शायद यह जानकर बहुत ही अचंभा होगा, बहुत ही आप शॉक्ड होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के फैंस है तो वो फुटबॉल के हैं। अगर आप कभी फुटबॉल के वर्ल्ड कप को देखो तो क्रिकेट से सबसे ज्यादा फुटबॉल के वर्ल्ड कप में मजा आता है। तो आपके लिए यहां पे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड एक सवाल है, क्या है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 7वीं बार फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरप्रीत सिंह संधु, ऑप्शन बी संदेश झिंगन, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, ऑप्शन डी सहल अब्दुल समद। तो सही जवाब देख लेते हैं पहले, सही जवाब है ऑप्शन सी सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये इंडिया के फुटबॉल टीम के ये कैप्टन है, और बाकी के जो यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं गुरप्रीत सिंह संधु, संदेश झिंगन, सहल अब्दुल समद, ये किसी और खेल के खिलाड़ी नहीं बल्कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो यहां पर आपको फुटबॉल के 4 इंडियन प्लेयर के नाम आपको मिल गए, यानी अगर आपके मन में फुटबॉल के प्रति रुचि जग रही है तो सबसे पहले इन 4 प्लेयर के नाम के साथ आप रुचि जगाओ, और इन 4 प्लेयर के नाम को याद रख लो, जैसा कि आप क्रिकेट में केएल राहुल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का नाम आपने याद कर रखा है, ठीक उसी तरह गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, सहल अब्दुल समद और यहां पे सुनील छेत्री का नाम आपके लिए दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों बात यहां हो रही है फुटबॉल ऑफ द ईयर की, और इसका खिताब किसे दिया गया है, सुनील छेत्री को। कितनी बार इस खिताब को इन्होंने जीता है, 7 बार इन्होंने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा यह खिताब दिया जाता है, और इस बार भी ये खिताब सुनील छेत्री के नाम रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर ले पूरे दुनिया के फुटबॉल जितने भी खिलाड़ी है उसमें अगर हम हाईएस्ट गोल स्कोरर की बात कर ले तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं, यानी जितने आपके दुनिया के फुटबॉल के खिलाड़ी जितने गोल करते हैं अगर इनका गोल देखा जाए तो ये दुनिया में 3rd रैंक इनकी आती है। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल है, लेकिन बहुत सारे लोग इनके बारे में शायद कम जानते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि फीमेल में किसे जो है फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, तो वो दिया गया है मनीषा कल्याण को। ठीक है, और ये जो खिताब दिया गया है ये वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, यानी 2021 में इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए ये खिताब इन्हें दिया गया है, और ये है आपकी मनीषा कल्याण, जिन्हें वुमेन्स के कैटेगरी में फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अब अगर हम बात कर ले तो ये इन्होंने जो है लास्ट सीजन में इन्हें वुमेन्स इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया था, किसे, मनीषा कल्याण को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। 44वें शतरंज ओलंपियाड में किस भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? विच इंडियन मेन्स टीम हैज ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 44th चेस ओलंपियाड। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत बी टीम, ऑप्शन बी भारत ए टीम, ऑप्शन सी भारत सी टीम या भारत डी टीम। बात हो रही है चेस ओलंपियाड की, चेस में भी आपकी काफी रुचि होगी, ये एक ऐसा इंडोर गेम है जो हम आम दिनों अपने घर में भी खेलते हैं और इससे हमारे माइंड भी काफी शार्प होते हैं, हमारे डिसीजन की जो क्षमता होती है वो काफी क्विक हो जाती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप कुछ रिफ्रेशमेंट चाहते हैं तो अपने दोस्त अपने भाई बहन के साथ एक जो है टाइम, कुछ ऐसे टाइम निकाले जिसमें चेस भी आप खेल लें, इससे आपके रिफ्रेशमेंट भी हो जाएंगे साथ ही साथ आपके ब्रेन भी काफी शार्प होंगे। लेकिन बात यहां पे क्या हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक विजेता की। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इंडिया बी टीम। और यहां बात हो रही है पुरुषों की, यानी पुरुषों की टीम ने, यानी इंडिया की भारत बी टीम की जो पुरुष टीम है उसने कांस्य पदक 44th चेस ओलंपियाड में जीता है। और इंडिया बी टीम में कौन कौन से मेल प्लेयर शामिल थे इसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो इसमें भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और रौनक साधवानी नंद जो है इस टीम में शामिल थे। और गोल्ड मेडल किस देश की टीम ने जीता, तो उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और आपको शायद ये, मैंने इसके बारे में पिछले करेंट अफेयर्स वीडियो में भी चर्चा किया है कि 44th चेस ओलंपियाड का इनॉग्रेशन किसने किया है और कहां किया है। शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर इस वीडियो को जाकर देखें। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप डेली करेंट अफेयर्स जरूर देखें। अच्छा, एक और बात, हम डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपके एग्जाम को और मजबूत बनाने के लिए और आपके टाइम को थोड़ा कम लेने के लिए हम वीकली करेंट अफेयर्स भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ मंथली करेंट अफेयर्स भी हम शुरू करने वाले हैं। और यहां तक कि आपको हमारे ऑफिशियल साइट सरकारीपरीक्षा.com पे मंथली करेंट अफेयर्स के पीडीएफ भी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो अब हम आते हैं इस वाले इंफॉर्मेशन पे। हम बात यहां पे कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल इस 44वें चेस ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान की टीम ने जीता है और भारत की ओमेस की जो टीम है उसने भी इस ओलंपियाड में ब्रोंज मेडल ही जीता है। ठीक है, और इस ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था, तो इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था और इसकी इनॉग्रेशन जो की गई थी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये जो ओलंपियाड जो चला है ये 28 जुलाई से 9 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। अब अगर हम बात कर ले यहां पे इस ओलंपियाड के इंपॉर्टेंस की, तो शायद आपको ये भी नॉलेज आपको बताना जरूरी है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चेस का ओलंपियाड भारत में आयोजन किया गया है। और चेस कहां की ओरिजिनेट है, तो भारत की ही ओरिजिनेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है। Which of the following state government had launched Nethanna Bima scheme for handloom and power loom weavers? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। जी, तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी हाल ही में हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए एक योजना शुरू किया गया है। उस योजना का नाम है नेथन्ना बीमा योजना। जैसा कि आपको इस के नाम से पता चलता है, नेथन्ना बीमा यानी ये एक ऐसा योजना है जो कि बीमा से रिलेटेड है। और इसकी जो अनाउंसमेंट की गई वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर के द्वारा की गई है। ठीक है, अब हम बात यहां पे कर रहे हैं कि इसका जो है अनाउंसमेंट कब किया गया, यानी इस बुनकरों के लिए एक बीमा की जो स्कीम लाई गई है, इसकी जो अनाउंसमेंट की गई थी वो नेशनल हैंडलूम डे जो कि 7 अगस्त को मनाया गया है, इस दिन की गई थी। ठीक है, अब इस बीमा के तहत उन हथकरघा बुनकरों को क्या फायदे होंगे, इसके बारे में थोड़े चर्चे कर लेते हैं। तो इसके अंदर में अगर किसी भी हथकरघा जो भी बुनकर की अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनीज होंगे उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। यानी कि जैसा कि बीमा में होता है कि आप अगर किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहते हो तो आपके जो भी अमाउंट है वो आपके नॉमिनीज को दे दी जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट ने इस बीमा को सफल बनाने के लिए LIC के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया है। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पे बात हो रही है हथकरघा बुनकरों और उनके प्रोडक्ट के बारे में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे आपके सवाल बन सकते हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना के पुतुपक्का तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये क्या है, हथकरघा बुनकरों से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है और इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रभात जयसूर्या और एमा लैम्ब को जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। एमा लैम्ब किस देश की खिलाड़ी है? प्रभात जयसूर्या एंड Emma Lamb have been named as ICC Player of the Month for the month of July. Emma Lamb is a player of which country? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी श्रीलंका। बात हो रही है यहां पे Emma Lamb की।
हालांकि यहां पे मेल प्लेयर की भी बात आपको की गई है, प्रभात जयसूर्या और एमा लैम, यानी कि इन दोनों ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ जुलाई के लिए इन्हें खिताब दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एमा लैम किस देश की खिलाड़ी है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड। जी, एमा लैम इंग्लैंड की एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है और इन्हें जो है ये अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है। इसके लिए इन्होंने अपने जो अपोजिशन है यानी कि अपने अपोनेंट इंग्लैंड की नाट सीवर्स और इंडिया की रेणुका सिंह को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर हम जो है मेल प्लेयर में बात कर ले कि जून मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, वो दिया गया है प्रभात जयसूर्या। और ये कहाँ के हैं, तो ये श्रीलंका के स्पिनर हैं। इनके जुलाई मंथ में परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें इस खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले जून मंथ की, क्योंकि आपके करेंट अफेयर्स में 2-3 महीने के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम कुछ पिछले मंथ की भी जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि एक बार आपको वो अच्छे से रिवाइज होते रहे। तो जून मंथ के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया था फीमेल में, वो दिया गया था साउथ अफ्रीका की पावर हिटिंग बैट जो बैट्समैन थी, उनका नाम है मैरी जेन कैर। और जो मेल में दिया गया था वो दिया गया था जॉनी बेयरस्टो को, और इस साल श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के नए सहायक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new assistant director general of International Crops Research Institute for the semi-arid tropics, जिसे हम इकरी सैट बोलते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद कुमार, ऑप्शन बी संजय अग्रवाल, ऑप्शन सी रोहित रंजन या ऑप्शन डी डॉक्टर जैकलिन डी एरोस ह्यूजेस। दोस्तों, यहां पे आपको इकरी सैट यानी कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आपके बनते रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जो है कहीं एक जगह नोट जरूर कर ले कि उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से न्यूज अभी हाल ही में घटे हैं। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के समय ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। हम यहाँ पे इक्रीसैट के न्यू असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी संजय अग्रवाल। और संजय अग्रवाल कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये करेंटली जो भारत सरकार की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इंडिया की जो कमिटी है उसके ये चेयरमैन है, और इन्हें अभी हाल ही में इक्रीसैट के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और साथ ही साथ अगर इनका हम इक्रीसैट के साथ अगर रिश्ता देखें, तो इन्होंने इक्रीसैट के एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में 2018 से 2022 तक इन्होंने कार्य किया हुआ है। अब अगर हम इनके कुछ एक्सपीरियंस की बात कर ले, तो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इनके पास 37 ईयर्स के जो है एक्सपीरियंस है, और पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में भी है। साथ ही साथ अगर हम इक्रीसैट जो बार बार आपके साथ हम इक्रीसैट जो हम आपके साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इंस्टीट्यूट बेसिकली जितने भी रूरल डेवलपमेंट होते हैं, गांव में जो डेवलपमेंट होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रिसर्च होते हैं, उस पे ये कार्य करता है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तेलंगाना के पतनचेरु जिले में इसकी हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। 22वीं भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द 22nd भारत रंग महोत्सव हैज बीन इनॉग्रेटेड। अभी हमारे देश में आजादी के अमृत उत्सव मनाए जा रहे हैं, और ये 75 वर्ष के हमारे जितने भी हमने अपने देश के लिए जो अचीवमेंट हासिल किए हैं उसके उत्सव में आजादी के अभी अमृत उत्सव मनाए जा रहे हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव, यानी ये भी एक उत्सव है, और हम आपके साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है और कहाँ मनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
तो सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। भारत रंग महोत्सव का जो 22वां संस्करण का आयोजन किया गया है वो महाराष्ट्र में किया गया है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये 5 दिन का ड्रामा फेस्टिवल है जो कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कला अकेदमी के द्वारा। दोस्तों इस महोत्सव को मनाने के पीछे का कारण यही है कि हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें ट्रिब्यूट पे करना। और अगर हम भारत रंग महोत्सव की बात कर ले तो इसके उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पे 30 प्ले जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे यानी दिखाए जाएंगे। कौन कौन जगहों पे? दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु, मुंबई, इन सब जगहों पे जो है वो अलग अलग हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनको ट्रिब्यूट के रूप में अलग अलग शो किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक मानवों को भेजने वाले भारत के किस पहले मानव युक्त मिशन की घोषणा की गई है? Which India first manned mission to send humans to a depth of 6000 meters in the sea has been announced? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सागरयान, ऑप्शन बी जलधियान, ऑप्शन सी उदधियान या ऑप्शन डी समुद्रयान। तो सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रयान। जी यानी अंतरिक्ष में अगर चंद्रमा की बात कर ले तो चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया। उसी तरह मंगल के बारे में जानकारी पाने के लिए भारत ने मंगलयान लॉन्च किया और अब समुद्र की गहराई में क्या क्या राज छिपे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभी हाल ही में भारत ने समुद्रयान का एडवांस जो है एक मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है। और हम समुद्रयान की बात कर ले तो इस मिशन में समुद्र के 6000 मीटर की गहराई में रिसर्च किए जाएंगे और इस मिशन के तहत कुछ सेफ्टी भी अपनाए गए हैं यानी कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो 12 घंटे तक ये ऑपरेशनल पीरियड चल सकते हैं और साथ ही साथ 96 घंटे तक आप इमरजेंसी में सुरक्षित रह सकते हैं। तो समुद्रयान बेसिकली हमारे समुद्र के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभी जो है इसकी एडवांस्ड मिशन लॉन्च की गई है। और इसे प्रोजेक्ट को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? तो 2021 में इसे सबसे पहले शुरू किया गया था लेकिन उस समय बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट जो है रुके हुए थे और अब जाके कई सारे प्रोजेक्ट पे काम जो है शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन रखी गई है इस मिशन की वो 2020-21 से 2025-26 के बीच रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जेम्स मार्पे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? जेम्स मार्पे हैज बीन re-elected as Prime Minister of which country? कई सारे देशों के प्रधानमंत्री अभी बदल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे भारत देश के बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया तो कई सारे पॉलिटिकल न्यूज आपके पास पहुंच रहे हैं और इस्तीफा देने के साथ फिर से वो बिहार के मुख्यमंत्री 8वीं बार भी बन गए। इससे रिलेटेड आपके लिए हमने एक शॉर्ट इंफॉर्मेटिक्स वीडियोज भी आपके लिए YouTube पर, Instagram पे, Facebook पे हमने पोस्ट कर दिया है। आप वहां से बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत ही कम समय में इंफॉर्मेशन आप उस वीडियो से पा सकते हो। तो ठीक उसी तरह अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति और री इलेक्शन होते रहते हैं तो आप क्या करोगे कि आप एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट में अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री बदले हैं या अगर आपको इसमें कठिनाई हो रही है तो हमारे इस साइट पे सामान्य ज्ञान पेज है, वहां पे आपको अलग अलग देशों के अलग अलग टॉपिक के बारे में जानकारी दी हुई है। नेशनल भी वहां पे इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है, स्टेट से रिलेटेड भी है तो आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से देखेंगे, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन अपडेट रहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज के लिए आपको सरकारी परीक्षा आपके लिए काफी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां बात हो रही है कि जेम्स मार्पे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सेशेल्स, ऑप्शन बी कोमोरोस, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी या ऑप्शन डी कांगो।
तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी। नाम बड़ा अजीब है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ओशियाना कंटिनेंट की ये एक कंट्री है और ये आइलैंड है, और यहाँ के अभी हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेम्स मरापे। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम आपके लिए थोड़े से हंसी मजाक वाले हो सकते हैं लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी सीरियस है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पापुआ न्यू गिनी के पांगू पार्टी के लीडर हैं और इन्होंने अपने इस चुनाव में 36 सीटें हासिल की है और अपने अपोनेंट को 97 वोट से इन्होंने हरा दिया है। और हम पापुआ न्यू गिनी की बात कर रहे हैं तो इसका कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट मोरिसबी। कैपिटल का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रूस ने सफलतापूर्वक एक ईरानी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, इस उपग्रह का नाम क्या है? ये तो थोड़ा सा अलग ही आपके लिए यहां पे सवाल है कि देश कोई और किसी और देश के लिए कार्य कर रहा है। जी, साइंस के फील्ड में एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है और इसी कोऑपरेशन की एक एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिल रही है। क्या है? कि रूस ने सफलतापूर्वक एक ईरानी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, यानी कि लॉन्च किया है। आपको उस उपग्रह का नाम बताना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए खयाम, ऑप्शन बी पाकसेट 1R, ऑप्शन सी नाहिद 1 या ऑप्शन डी नूर। तो सही जवाब पहले देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए खयाम। जी, इस सेटेलाइट का नाम क्या है? खयाम। और इस सेटेलाइट को रूस के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहले यहां पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि बाकी के ऑप्शन क्या है। तो बाकी के ऑप्शन जो यहां पे दिख रहे हैं, नाहिद 1 और नूर 1, ये भी ईरान के ही सेटेलाइट है। लेकिन यहां पे आपको पाक सेट, नाम से ही पता चल रहा है पाक सेट, यानी कि ये जो सेटेलाइट है ये किसका है? पाकिस्तान का है। जी, और अभी जो रूस की मदद से जिस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया है उसका नाम है खयाम और ये ईरानियन सेटेलाइट है, ठीक है। और जिस रॉकेट की मदद से इस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम है सोयूज और ये रॉकेट रूस का है। और एक और कोऑपरेशन की बात आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी कि जो लॉन्चिंग सेंटर यानी कि जहां से इसे लॉन्च किया गया वो कजाकिस्तान के पास सिचुएटेड है। हालांकि वो लॉन्चिंग सेंटर रूस का है लेकिन उसने कजाकिस्तान से उस जगह को एक लीज पे ले रखा है, यानी कि लॉन्चिंग सेंटर हर जगह नहीं बनाए जाते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स वाले जगह की जरूरत पड़ते हैं जहां से लॉन्चिंग काफी इजी होती है। तो रूस ने भी कजाकिस्तान की जो एक जगह है वहां पे इसने अपनी लॉन्चिंग सेंटर बनाई है और उस लॉन्चिंग सेंटर से अभी हाल ही में ईरान के एक सैटेलाइट को रूस ने लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम खयाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक पर्सियन साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उनका नाम था उमर खयाम और ये 11th और 12th सेंचुरी के काफी फेमस साइंटिस्ट थे और इसी साइंटिस्ट के नाम पे अभी हाल ही में ईरान ने जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया है उसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों, यहां पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो आप अगर और भी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, वन लाइनर के रूप में पढ़ना चाहते हैं, वीकली न्यूज के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हम वहां पे भी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग न्यूज अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और सबसे पहले हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे हम आपके लिए कुछ उसी मॉड्यूल के क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे, आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे और आपके लिए कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ये चैनल आपके एग्जाम की तैयारी में भाई बहन के मजबूत रिश्ते की तरह रिश्ता निभाने वाला है और लंबा सफर तक आपके लिए चलने वाला है। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और राखी का त्योहार अच्छे से मनाते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।